जय श्री गणेशाय नमः। पर मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि अपने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता पाऊँ, जैसे आपका दिन कैसा जाएगा, इसके अलावा भी जैसे किस तरीके से दिन को अच्छा बना सकते हैं, रेमेडीज कुछ दूँ, आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ सजेशंस दूँ, तो और सवाल भी लेती हूँ मैं जो आपकी प्रॉब्लम होती है जब आप लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके सवालों को भी शामिल करती हूँ। हर दिन एक या दो सवाल को मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। अब मैंने सोचा है कि जैसा मेरी टीम मुझे बता रही है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो अब आप लोगों के सवालों का जवाब मैं डायरेक्ट आपके कॉमेंट के नीचे ही दे दूंगी। तो अपने सवाल लिखना बिल्कुल मत भूलिए, लेकिन अपने बर्थ डिटेल के साथ, यानी फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के साथ अपने सवाल कॉमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। हर दिन मैं किसी 3 लकी व्यूअर के सवाल का जवाब कॉमेंट सेक्शन में लिख कर दूंगी, तो सवाल लिख सकते हैं आप। बाकी हर दिन एक सजेशन जरूर दूंगी जो वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं आज का पंचांग कैसा रहेगा। ये तो हमने जाना कि पंचांग क्या है, अब बारी आपके राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले, आज दिन को खास बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, यानी भाग्य उतना ज्यादा साथ नहीं देगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, किसी प्रसिद्ध इंसान से, फेमस इंसान से आप मिल सकते हैं। कोशिश करनी है कि परिवार में तालमेल बनाकर चलें। आज के दिन पैसा ज्यादा खर्चा होने वाला है, नजर बनाकर रखने की जरूरत है, सेहत का ध्यान दीजिएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, शिव जी की पूजा करें। लकी कलर आपके लिए रेड है। लकी नंबर की बात करूं वह 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को आज के दिन काम से जुड़ी हुई परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जो लोग जॉब करते हैं, MNCs में हैं जो खास तौर पे, उनको आज कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क मिल सकता है या कोई काम आपको दिया जाएगा जिसमें आप उलझे हुए नजर आएंगे। बिजनेस करते हैं तो आज के दिन व्यापारियों को किसी और से फायदा पहुंचेगा, यानी किसी की भी मदद लेने से पीछे मत हटिएगा, आज के दिन मदद से काम बनेंगे। बात करें परिवार की तो आज के दिन परिवार में तालमेल बनाने में मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आपको गलत समझने वाले हैं। अपनी बात को खुल कर उनके सामने रखें। पार्टनर के साथ भी तूतू मैं संभव है। लव लाइफ में दिन अच्छा है, आपके लव पार्टनर का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आपको। बात करें पैसों की तो खर्चा थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसीलिए बजट बनाकर चलें। सेहत की बात की जाए तो गले या कंधे से जुड़ी दिक्कतें आएंगी। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है कि आप ओम नमः शिवाय का यथा संभव जाप करें। लकी कलर की बात करते हैं वो है व्हाइट। लकी नंबर की बात करूं 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मिथुन राशि, जॉब करते हैं आज के दिन यात्रा के योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों को आज के दिन के उत्तरार्ध में कोई अच्छी डील मिल सकती है। फैमिली में, परिवार में आज के दिन सेहत का ध्यान दीजिएगा, परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है। पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा आपके योग में है। लव लाइफ में दिक्कतें आने वाली हैं, आज के दिन आप जो है अपने पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ जो है लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मतभेद होने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा, रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। सेहत की बात की जाए तो आज के दिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, कमर या फिर बैक रिलेटेड दिक्कतें आने वाली हैं, पैसा कहीं फंसा हुआ था वो निकल जाएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन गौ माता के पीठ पर हाथ फेरना है, उनको रोटी खिलानी है। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट, या फिर आप पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लकी नंबर की बात करूं है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। कर्क राशि, कर्क राशि वाले लोग आज के दिन जॉब या बिजनेस करते हैं तो यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा। आज के दिन जो परिवार है, परिवार में आपकी जो है वैल्यू की जाएगी, आपके पुराने किसी सजेशन को आज माना जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, माता पिता का सहयोग मिलने वाला है। आज के दिन मैरिड लोगों की बात करूं तो शादीशुदा लोगों के जीवन में खुशहाली है, लेकिन अगर आप लव पार्टनर हैं तो आपका पार्टनर आप पर शक कर सकता है, किसी तरीके का ब्लेम कर सकता है आपको, किसी चीज के लिए आप पर शक
आपकी जो है सुई लटकने वाली, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर आप लव पार्टनर आपका है तो, यानी आप लवर हैं तो। सेहत की बात करें तो आज के दिन पेट से जुड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, पैसा आज खर्चा होने वाला है तो कोशिश करें कि खर्च पर नजर बनाएं। महा उपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है कि आप जो है शिव जी की उपासना जरूर करें। लकी कलर की बात करें वो है आपके लिए रेड, लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। सिंह राशि, जॉब बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, ना ज्यादा आपको फायदा होगा ना नुकसान होगा। अगर शादीशुदा हैं तो पार्टनर की सेहत का ख्याल रखिए, परिवार में आज के दिन बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन थोड़ा गुस्सा तेज होने वाला है, घर में किसी पे आप भड़क सकते हैं तो थोड़ा गुस्से को शांत रखने की जरूरत है। लवर्स की बात की जाए तो आज लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग करेंगे और आज अपने प्रेमी को प्रेमिका को आज आप तोहफा देने वाले हैं, गिफ्ट देने वाले हैं। बात करें सेहत की तो आज के दिन बॉडी के लेफ्ट साइड में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, खासतौर पे आंखों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। पैसा आज के दिन कहीं से आपको मिलने वाला है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करें कि शिवलिंग पर जल जो है जरूर चढ़ाएं। लकी कलर आपके लिए आज है रेड, लकी नंबर की बात करूं 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। कन्या राशि, कन्या राशि वाले आज भागदौड़ बहुत ज्यादा है, काम से जुड़ी यात्राएं या काम से जुड़ी हुई टेंशन आपके जीवन में हावी रहने वाली है। बात करें परिवार की तो आज के दिन कोई नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में, नई चीज लेने के बारे में घर परिवार में विचार विमर्श हो सकता है। पार्टनर के साथ आपका इक्वेशन ठीक नहीं रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ तो शादीशुदा जीवन में है तो पार्टनर के साथ समझदारी से आपको पेश आने की जरूरत है। लवर्स की बात की जाए तो आज के दिन लव लाइफ में बहार है। सेहत की बात करें आज के दिन सेहत के लिहाज से थोड़ा ध्यान देना है, आपको कमर से या फिर पीठ से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, पैसा कहीं से आने वाला है। महा उपाय जान लेते हैं, दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज के दिन कच्चे दूध का टीका जरूर लगाइएगा। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तुला राशि, तुला राशि वाले जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं सेहत का ध्यान दीजिए, काम का दबाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है तो आज के दिन सेहत का ध्यान देना है। परिवार में कोई जश्न मनाया जा सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है आपके घर में, साथ ही साथ इस राशि के शादीशुदा लोग आज के दिन यात्रा के प्लान बनाने वाले हैं, यानी आप ट्रेवल करने वाले हैं। लव पार्टनर आज दिन के उत्तरार्ध में कहा सुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेन देन से जुड़े जो है बातों पर यानी पैसा आज आप दोनों के बीच में लड़ाई का कारण हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करते हैं आज के दिन सेहत के मामले में आपको गले से जुड़ी समस्याएं आएंगी, पैसा आज के दिन कहीं पे फंसा हुआ था वो निकल जाएगा और साथ ही साथ आज आप खुद पर भी खर्च करने वाले हैं। महा उपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है कि माता या महिला के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। लकी कलर येलो है, लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले आज जो लोग जॉब करते हैं काम में दबाव ज्यादा है, काम में टेंशन बहुत ज्यादा है, इस राशि के व्यापारियों को आज के दिन उचित लाभ होगा। मैरिड हैं, शादीशुदा हैं तो सेहत का ख्याल रखिएगा, आज के दिन पार्टनर और आपकी दोनों की सेहत खराब हो सकती है, बदलते मौसम की मार पड़ सकती है। लव लाइफ में आज के दिन किसी तीसरे पर ज्यादा भरोसा करने से बचना है या किसी की बात सुनकर कुछ भी अपने पार्टनर पर शक करने से बचना है। सेहत की आपकी खुद की बात करें तो आज के दिन सेहत के मामले में उचित लाभ मिलेगा, पहले से चली आ रही समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी, धन आज ज्यादा खर्चा होने वाला है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करें कि नंगे पांव आप किसी भी शिव मंदिर जाएं। लकी कलर की बात करते हैं वो है आपके लिए आज ग्रीन, लकी नंबर की बात करूं 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। धनुराशि, धनुराशि वाले जॉब और बिजनेस करने वालों की बात करें तो आज के दिन कोशिश करनी है कि काम की जगह पर बहुत ज्यादा आप किसी पर विश्वास करने से बचे, सेहत का ख्याल रखना है, सेहत बिगड़ने वाली है धनुराशि वालों की, खास तौर पे आपको कमर से नीचे दिक्कतें आएंगी। इस राशि के वो लोग जो कि 35 से ज्यादा है, 35 साल की उम्र से ज्यादा है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आने वाला समय सेहत से जुड़ी परेशानियां लेकर आएगा।
मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज के दिन शादीशुदा लोग जो है अपने घर की खरीदारी के लिए या किसी के लिए कुछ खरीदारी के लिए आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं पार्टनर के साथ। लव पार्टनर्स की बात करें तो आज के दिन लव पार्टनर्स के लिए दिन शुभ है, प्यार में खोए नजर आएंगे। धन के लिहाज से दिन बहुत शुभ नजर आ रहा है, धन भी कहीं से आएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है कि ओम नमः शिवाय का यथासंभव उच्चारण करें या फिर आप जो है चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। लकी कलर की बात करें वो है आपके लिए आज व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मकर राशि, मकर राशि वाले आज जो लोग जॉब करते हैं एक चीज का ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट आपके जितने भी हैं पेपर रिलेटेड वर्क है उसमें बहुत सावधानी बरतनी है आपको। बिजनेसमैन लोग जो है दिन का उत्तरार्ध आपके लिए टफ है, कहीं पे आपका काम फंस सकता है या कोई अड़चन खड़ी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में आज के दिन आप अपने पार्टनर के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। लवर्स की बात की जाए तो आज के दिन लव पार्टनर्स की लाइफ में हो सकता है कि आप उतना समय ना दे पाएं। फैमिली में आज के दिन घर में छोटे हैं, छोटे भाई बहन या बच्चे हैं, उनकी सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपके खुद की हेल्थ की बात की जाए तो आज के दिन मकर राशि वाले जीभ या मुंह से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। पैसों के मामले में आज के दिन स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा होगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है कि आप शिव जी की आराधना जरूर करें। लकी कलर आपके लिए आज है येलो, लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कुंभ राशि, जॉब बिजनेस करने वाले यात्रा के योग बन रहे हैं, भागदौड़ ज्यादा है, काम का दबाव ज्यादा है, लेकिन खुशखबरी ये है कि नई नौकरी मिलने के आसार हैं। यानी जो आप जॉब चाहते थे अपनी लाइफ में, कहीं आपने पहले से अप्लाई किया हुआ था, वो नौकरी आपको मिलने के या उससे जुड़ी कोई खुशखबरी सुनने को आपको मिल सकती है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आप आज के दिन जनरेट करने वाले हैं, यानी कहीं से अच्छा पैसा आप कमाएंगे। इस राशि के लोग जो शादीशुदा हैं पार्टनर की सेहत का ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत की बात की जाए तो आज के दिन पैर या घुटनों से जुड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, पैसों के मामले में बहुत ही सतर्क रहना है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है कि महिलाओं को कुछ मीठा खिलाएं। लकी कलर की बात करें वो है आपके लिए व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मीन राशि, मीन राशि वाले आज खोए खोए से नजर आने वाले हैं। जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं आलस हावी रहेगा आपके ऊपर, कोशिश करें आलस को भगाने के लिए दिन की शुरुआत आप योग और ध्यान से करें। फैमिली में आज का दिन कोई सेलिब्रेशन हो सकता है या फिर आप किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए परिवार के साथ जा सकते हैं। मैरिड लोग जो है फ्यूचर के लिहाज से आज कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं पार्टनर के साथ मिलकर। लव लाइफ में थोड़ी दिक्कतें हैं। सेहत की बात करें तो आज के दिन सेहत का ख्याल रखिएगा, पैसों के मामले में स्थिति अच्छी है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है आपको, आज के दिन महिलाओं का आशीर्वाद लें। लकी कलर आपके लिए व्हाइट है, लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके दिन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। अब एक चीज जो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि कभी कभी क्या होता है ना, आप प्रसाद लेते हैं कहीं मंदिर में या घर में कोई दे रहा हो और प्रसाद अचानक से गिर जाता है, तो ये क्या बताता है, इससे कुछ मतलब होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि अगर आपके हाथ में कोई प्रसाद दे रहा हो और वो अचानक से गिर जाए, या बार बार आपके साथ ऐसा होता है कि प्रसाद लेते हैं और वो गिर जाता है आपके हाथ से, तो इसका मतलब है शुक्र आपका कमजोर हो गया है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा होता है, मन में दुविधा होती है, तो बहुत ही सिंपल सा, मैं बहुत ज्यादा तामझाम तो बताती नहीं हूँ, बहुत सिंपल रेमेडी देती हूँ। करना क्या है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना चालू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज आपसे हो रही है, यानी बार बार आपके हाथ से जो प्रसाद गिर रहा है और आपके मन में डर सा बैठ गया है, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। तो करके देखिए, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल शाम 5 बजे, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।